अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट हूं नहीं भाई, देवी और सज्जनों, आपके लिए लाया हूं एक और वीडियो। ठीक है, सो आज की वीडियो में खाना छाना सारे खा के आओ तसल्ली से। आज की वीडियो लंबी होने वाली है, पहले से बता रहा हूं। मेरा फेवरेट टॉपिक जो है ना वो इक्वलाइज़र है, तो नो कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन आज कम्प्लीट नहीं करूँगा इसको भी, इसके भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि एक घंटे की वीडियो, दो घंटे की वीडियो आप देखोगे नहीं। सो इसलिए मुझे इसको शॉर्ट करके इसके पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम मूव कर चुके हैं और यहाँ पर कुछ आपको अजीब और गरीब सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैं बैठा हूँ और आपको समझा के दम लूँगा। ठीक है, सो जो आज हमने चीज़ें देखनी है उसके लिए कुछ मैं आपको चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि आपने सबसे पहली बात कि आपने परेशान नहीं होना। देखें, आज ये जो आपके सामने एक नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, अब यहाँ पर वीडियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए भी आपको कुछ आना चाहिए, मतलब आने से मुराद के कुछ समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखें, फ्रीक्वेंसीज़ में हमेशा ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी अप होती है, जिस पे बीट चल रही होती है, वो ही यह डायग्राम दिखाता है। थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। और सेकंड नंबर पे जो बात है वो ये है कि ये जो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ रही है इस जगह पर, ठीक है, इफ़ेक्ट पैक, देखिए इफेक्ट पैक यहाँ से आपको पास ओपन हो जाएगा इफेक्ट पैक। ठीक है, इसका रैक, सॉरी पैक नहीं, सॉरी, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं डिले अप्लाई कर देता हूँ या चैनल मिक्स अप्लाई कर देता हूँ, अभी मैं जस्ट सपोज़, ठीक है, और मॉडरेटर, उसके बाद सॉरी उसी पे मैंने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ से इकू यानी इक्वलाइज़र, ओके, और उसके बाद तो ये सारे का सारा जो है हमें एक साथ ही अप्लाई करके हमें बता देगा कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, और इनपुट हमारी गेन कितनी है और आउटपुट गेन कितनी है वो भी हमें दिखा देगा। सो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम बाद में बात करेंगे, इस पर ज़्यादा कोई मतलब इशू नहीं है, इतना ईजी है इस्तेमाल करना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सो आज जो मैं म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो केविन मैकलॉड, एक बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उनका है, यूट्यूब पर आप चैनल सर्च कर सकते हैं केविन मैकलॉड, आपको यहाँ पर नाम भी नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा इनका चैनल है और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में इनका ही म्यूज़िक यूज़ किया है। फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नो कॉपीराइट है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे ये लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको लिसन करते हैं, पहले शुरू से करते हैं लिसन, ठीक है। ये मेरे एक चैनल में वीडियो में मैंने यूज़ भी किया था म्यूज़िक, ये देखें, ये ट्रैक चूज़ करने का मकसद ये था कि इसके अंदर आगे जाकर बीट जो है वो बीट बिल्कुल लहरा जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये देखें, ये ठक, ये यहाँ पर वो इस जगह पर, अगर आप इसको गौर से देखें ये बीट है, बिल्कुल लहरा बीट है, ठीक है। सो इसके लिए, इस म्यूज़िक को सुनने के लिए आपको हैंड फ्री अच्छे होने चाहिए आपके पास। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास हैंड फ्री अच्छे नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या चेंजिंग हुई है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये ग्राफ, देखें यहाँ पर ये इसकी शो करा है कि इसके अंदर क्या है। अगर मैं ऑडियो को देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अप है और यहाँ तक, यानी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हो रही है वो बेस हो रही है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ जो है वो डाउन होता जा रहा है, यानी 8000 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत डाउन है, ठीक है। सो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी पास क्लैरिटी भी आए, तो इसके लिए हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुख्तलिफ लाइन्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि दो चार लाइन्स हैं और ऊपर नीचे, असल में ये लेफ्ट और राइट चैनल्स की हैं, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ, सॉरी फेवरेट में जाते हैं और यहाँ से कन्वर्ट टू मोनो, ताकि झगड़ा ही ख़त्म, ठीक है ना। एक ट्रैक पे हम ले आए हैं और अब हम इसको थोड़ा सा सुनते हैं और यहाँ से जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब इस देखें, इस बीट पे बिल्कुल इजी तरीके से जब हम यहाँ से जाते हैं, अब ये आपको उस बीट का बता रहा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इस वक्त भी यहाँ पर बेस सबसे ज़्यादा है और
यहाँ पर आएंगे तब भी बेस ज़्यादा है, और साथ में जो चनकार थी या दूसरा बैकग्राउंड में म्यूज़िक था वो भी हाई है यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये देखें बेस के साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 50% 50 dB पर जो है वो भी हमारा साउंड जो ट्रेवल यानी पहुँचा है वहाँ तक छनकार का, ठीक है। सो जब या की आवाज़ होती है तब आप गौर करेंगे तो आपको ग्राफ जो है वो अप होता हुआ जाएगा लास्ट से, यानी छनकार जो थी वो ऊपर जा रही है, आप चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ग्राफ का बता रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, इसलिए यहाँ से देखें। और ये देखें अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ग्राफ देखें बेस के बराबर हो गया, तो हमें छनकार की आवाज़ आई। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें जस्ट सिंपल कि ये हमारी छनकार है। असल में छनकार क्या चीज़ होती है, छनकार तो साउंड होता है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, अगर चम्मच को चम्मच से टकराएंगे तो छनकार निकलेगी क्योंकि पतला साउंड है, अगर मैं टेबल पर थप्पड़ मारता हूँ तो मोटा साउंड निकलेगा। सो साउंड की किस्में होती हैं, सो हमने उनको छनकार या बेस कह दिया, छनकार या धमक जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इक्वलाइजर से हम क्या करेंगे, गुड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब रैक को इस्तेमाल करने का भी तरीका हम साथ ही सीखेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर मैं अलग से वीडियो बना सकूँ या मुझे ज़रूरत है इस पर बनाने की। सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इक्यू पर आ रहा हूँ, फिल्टर एंड इक्यू, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि डिटेल से बताऊँ क्या चीज़ें। असल में होता क्या है यूट्यूब पर, मैंने मतलब भाई अगर किसी का दिल दुखे तो यार मैं माजरत करता हूँ, लेकिन हम लिखते हैं हाउ टू क्लीन माई ऑडियो या अवर ऑडियो, भाई ट्यूटोरियल्स आ गए 6, 7, 10, 12, 15 जो भी। जब उनको चलाना शुरू किया तो क्या हुआ, एक फ़िल्टर में एक ने सेटिंग अप्लाई की, दूसरे ने सेटिंग अप्लाई की, कंप्रेस किया, सब कुछ किया और आपके सामने कर दिया, सर ये मेरी ऑडियो रेडी होगी, ठीक है, जिस तरह की मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँ आप इस तरह रिकॉर्ड करें। भाई वो लोग ऐसे होते हैं मेरी नज़र में, उनको ऑडिशन छोड़ो, उनको ऑडियो का ही नहीं पता होता, क्योंकि मेरा भी बेड़ा गर्क जो चैनल का था शुरू शुरू में वो इसी वजह से हुआ है। उसकी वजह ये थी कि मैंने खुद ऑडिशन सीख, देखा ना ऑडियो फील्ड लेता है बिल्कुल हट के है, समझने में टाइम लगता है, नई चीज़ होती है, किसी को समझ नहीं आती क्या करना है, मैं भी नया था तो कोई मुझे समझ नहीं थी आती क्या करना है, लेकिन जब इस फील्ड में आया तो यार ऑडियो क्यों नहीं अच्छी हो रही, तो वह काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, ढूंढा, कुछ टाइम लगा, 6-7 महीने लगे, उसके बाद मैंने ये माइक तकरीबन 7-8 महीनों के बाद ये माइक मैंने बाय किया, उसके बाद भी मैंने अपनी ऑडियो पर मेहनत की, सिर्फ ऐसा नहीं कि माइक, उसके बाद माइक के बाद भी कुछ एक दो गलतियाँ हुई मुझसे, उनको भी मैंने दूर किया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि तजर्बा आपको जब तक नहीं है तो आप एक सेटिंग्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपके लेवल्स और हैं, उसके लेवल और हैं, उसके पास माइक और है, आपके पास माइक और है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं फ़ोन के माइक के साथ रिकॉर्डिंग करूं, या मैं इस फ़ोन चाइना के फ़ोन के साथ क्यों मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग करूं, मैं चाइना का ही कहता हूं इसको, इसके साथ रिकॉर्डिंग करूं और आपको इस माइक का मज़ा आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक सच्चाई है। आखिर एक चीज़ 2000 की है और एक चीज़ 2 लाख किया तो कोई फ़र्क तो होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं कि यार साउंड सेम हो सकता है, हाँ क्लीन हो सकता है, सिर्फ क्लीन। तो कहने का मकसद ये है कि हम वो गलती कर बैठते हैं जो कि मैंने भी की थी। तो एक सेटिंग कभी भी 10 जगह पर अप्लाई नहीं होती और ना ही काम करती है, क्लियर बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि यार ये 10 जगह पर काम कर जाएगी और वहाँ पर नहीं, कभी नहीं करती, ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो गलत है, काम ही नहीं करती, ठीक है। अगर किसी की करती है तो भाई उसकी ऑडियो एक जैसी होगी, उसके गले की पिच एक जैसी होगी, ठीक है, सो दैट्स वाई के काम कर भी सकती है। खैर हम इसको अब यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ, और अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ हम ज़्यादा इन्हेंस करें कोई चीज़, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ यार छनकार कम है, तो छनकार के लिए जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि छनकार के लिए हमारा जो लेवल है वो अप होता है कहाँ तक, वो होता है 8000 से, ठीक है, 8000 से शुरू होता है। सो मैं इसको 8000 को मैं बढ़ा देता हूँ, अब मैं इसको प्ले करके फिर बढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि हमें कुछ समझ में भी आए। शुरू से प्ले करते हैं इसको, कुछ फर्क पता चला, छनकार तेज़ हो गई, कोई कमाल नहीं है इसमें, तो ये तो आप भी कर सकते पहले भी। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी हमें पता कैसे चलेगा क्या है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात है कि इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ, अब चलाते हैं इसको, अब ऑन करता हूँ,
तो हुआ क्या, उसकी छनकार की बीट जो थी वो अप हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसकी बीट्स पे हमने उसको रिदमाइज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली और ये चीज़ अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको भी इनहेंस करूँ। अब अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये कौन सी बीट है, कौन सी रेंज में आ रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ये जाता हूँ और यहाँ से मैं चेक करता हूँ, तो अब मुझे समझ में आएगा कि कौन सी बीट पे ये ज़्यादा बीट साउंड जो है वो दे रहा है। ठीक है, देखें ये लास्ट में 400 हर्ट्ज पे भी आ रही है। ठीक है, और 400 हर्ट्ज से स्टार्ट होते हुए जहाँ पर ऑरेंज ज़्यादा है, और ये लास्ट में हाई फ्रिक्वेंसी पर भी जा रही है। सो मैं समझ गया हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये जो 15,000 फ्रिक्वेंसी तक भी जा रही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 8,000 को तो मैंने कर दिया, अब मैंने 7,000 को भी किया, ठीक है, और यहाँ से ये डाउन कर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि धमक भी साथ में करनी है तो वो भी मैं इनहेंस कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी। सो हम इसको प्ले करते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं। ऑफ करें, गाना सुनने में मज़ा आने लग जाता है। तो अच्छा, खैर ये एक था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कि हम इक्वलाइजर को कैसे करते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको कौन सी चीज़ डाउन है, कौन सी चीज़ अप है। ठीक है, बेस अप करनी है, अब मैं बेस को हाई करना चाहता हूँ, सो मैंने इसको हाई कर दिया। और ये देखें बेस की क्या जो थी वो 200 तक होती थी, 200 तक बेस चलती है आपकी, तो आप यहाँ से इसको 125 से आगे यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कर देंगे बिल्कुल ख़राब हो जाएगी ऑडियो। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूँ यहाँ से, इसको ऑफ़ करते हैं पहले, एक मिनट रुके, इसको मैंने किया यहाँ से ऑफ। ठीक है, और अब प्ले करते हैं, अब प्ले करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बेस तो इतनी ही रहे लेकिन इसका थ्रेशहोल्ड कम हो जाए, यानी इस पर असर अंदाज कम हो जाए, तो उसके लिए मुझे ये जो आउटपुट है इसको यहाँ से थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा वो प्ले करने के साथ। ऑफ करते हैं, आप यही चीज यहां से मास्टर गेन से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो आपकी ऑल ऑडियो है, यानी अगर मैंने 10 इफेक्ट लगाए तो 10 के बाद जो ऑडियो निकल रही है वो इतनी है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा इनपुट जो है वो ज्यादा हाई हो जाए, मिसाल के तौर पे अब यहां पर थोड़ा सा इसको मैं चाहता इनपुट ज्यादा हो जाए, तो उसने वो कर दिया। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं इतना ही, ऐसे मैंने कहा था कि खाना शाना खा के आ जाना, इतनी ज़्यादा लंबी मैं क्लास कर नहीं सकता, और क्योंकि बस नहीं कर सकता। तो अब जो बात करने वाली है वो ये कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि हम ऑडियो की रेंज को कैसे हिट कर सकते हैं। हिट से मुराद ये कि हम एक स्माइली सा फेस, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक स्माइल सा फेस बन जाता है, ये फेस जब बनता है तो इट मीन्स कि आपकी ऑडियो के अंदर साउंड की क्वालिटी अच्छी है, आप उसकी बेस भी बढ़ा रहे हैं और वो बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे विनेप एक प्लेयर है, और उसके अंदर अगर आप यहाँ पर बैंड्स देखेंगे तो आपको सेम बैंड्स मिलेंगे। अगर आपने मेरे आफ्टर इफेक्ट के अंदर ऑडियो विजुलाइजर की क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बात किया है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि आप ऑडियो की कौन सी बीट पे अगर आप एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं या आप एक विजुलाइजर बनाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जस्ट एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ, ठीक है, उसमें प्ले कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो एक विजुलाइजर आ रहा है, ऑडियो विजुलाइजर, इसी तरीके से आप ये विजुलाइजर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये विजुलाइजर आप कैसे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर खुद अपनी मर्जी से। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ शेप्स वगैरह होती हैं, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि आपको कौन सी बीट पे हिट करना है, उस वो आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो तो मैं आपको इन दोनों में साइड में से किसी एक तरफ होगा, इस तरफ होगा शायद, तो आपको समझ में वहाँ पर एक आ रहा होगा ऑप्शन आई का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो विजुलाइजर की क्लास मिल जाएगी। ठीक है,
सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हमने सिंपल इसके बारे बैंड्स के बारे में बात की, और नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 बैंड और 30 बैंड, और मैं आपको अपनी ऑडियो भी सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं अपनी ऑडियो में कौन से बैंड इस्तेमाल करता हूँ वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। सो आई होप कि आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नहीं सीखा तो कोई मसला नहीं है, डिसलाइक कर दें या मेरे चैनल छोड़ के जा सकते हैं, डिसलाइक तो नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, दो दफ़ा कह दिया मैंने, बस इतना ही। तो लास्ट में हमेशा की तरह की बात, नेवर होप लेस, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी, और अगर आप मैंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, नहीं करना तब भी मर्जी आपकी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।